सारण जिले के रिविलगंज थाना अंतर्गत इनई गांव स्थित सोढ़ी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चे की पहचान जिला के रिविलगंज थाना अंतर्गत इनई गांव निवासी मदन चौधरी के 10 वर्षीय पुत्र शिवम चौधरी उर्फ रामू चौधरी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि वह बच्चा इनई पुल पर बाढ़ का पानी देखने गया था, जहाँ पुल से अनियंत्रित होकर सोढ़ी नदी में गिर गया, जिसके बाद वहाँ लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय गोताखोर सोढ़ी नदी में छलांग लगाकर उसकी तलाश करना शुरू कर दिए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रिविलगंज थाना अध्यक्ष के द्वारा NDRF टीम को बुलाया गया, जिसकी मदद से करीब 2 घंटे में शव नदी से बरामद किया गया है। शव को देखते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। वहीं रिविलगंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा से रंजीता गुप्ता।